दोस्तों, एक ऐसे मंदिर परिसर के पास पहुंचने की कल्पना करें, जहां 15 मंजिल से अधिक ऊंचा एक भव्य प्रवेश द्वार आपका स्वागत कर रहा हो, जिस पर देवी देवताओं और राक्षसी आकृतियों की 1500 चमकीली चित्रित मूर्तियां शामिल हैं। ये अतिशयोक्ति और गुमराह करने वाला लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक स्वाद है जो दक्षिण भारत के मदुरई शहर में मीनाक्षी मंदिर में तीर्थयात्री या दर्शनार्थी का इंतजार करता है। अपने कई टावरों और संबद्ध पवित्र स्थानों के अपने बाड़ों के साथ ये दक्षिण भारत में धार्मिक और कलात्मक परंपराओं के एक प्राचीन ढांचे की सक्रिय निरंतरता का प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है ट्रेवल एनएफएक्स। और आज इसी कड़ी में हम आपको सीधा लिए चलेंगे मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरई, जो है भव्य और विशाल, और जानेंगे इसकी भव्यता और विशालता और इसके इतिहास और वास्तुकला के बारे में। तो चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक मीनाक्षी टेम्पल मदुरई हर कला प्रेमी द्वारा देखने लायक स्थान है। ये वास्तुकला का मास्टरपीस है, जो द्रविड़ शैली वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मदुरई दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये मंदिर पांड्या शासन काल के दौरान बनाया गया था और अब तमिलनाडु के HR और CE विभाग के अधीन है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है, जो भगवान शिव के अवतार हैं। ये मंदिर मदुरई शहर के केंद्र में स्थित है। मंदिर के चारों ओर कमल की आकृति में मदुरई शहर है। मीनाक्षी मंदिर भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। राजसी वास्तुकला, जटिल नक्काशी, सुंदर पेंटिंग, उत्कृष्ट मूर्तियां और इससे जुड़ा एक प्राचीन इतिहास इस मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिरों में सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण मीनाक्षी टेम्पल मदुरई 2500 साल पुराना है। जाहिरा तौर पर इस शहर को शिवलिंग के चारों ओर बनाया गया था, जो कि इसके गर्भगृह के अंदर है। मंदिर परिसर में 14 एकड़ जमीन है और इसमें 4500 खंबे और 14 टावर है। ये बड़े पैमाने पर है। दोस्तों, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जिसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। मदुरई शहर में स्थित मंदिर का एक महान पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। ये माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदरेश्वर यानी कि सुंदर के रूप को धारण किया और पार्वती यानी कि मीनाक्षी से उस स्थान पर शादी की जहां वर्तमान में मंदिर स्थित है। अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर को दुनिया के आश्चर्यों में से एक के रूप में नामित किया गया था, लेकिन वे इसे दुनिया के 7 आश्चर्यों की सूची में शामिल नहीं कर सके। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं, हालांकि मंदिर निश्चित रूप से भारत के अजूबों में से एक है, ये दक्षिण भारत के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जहां हर दिन हजारों भक्त इसका आनंद लेते हैं। तिरुकल्याणम महोत्सव के दौरान, जो 10 दिनों की अवधि के लिए होता है, मंदिर में 1,00,000 से अधिक भक्त आते हैं। हर दिन हजारों भक्त इस मंदिर में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद मंदिर को अच्छी तरह से बनाए रखा गया है और इसे भारत में बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस यानी कि सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान का नाम दिया गया है। चलिए नजर डालते हैं अब इसकी पौराणिक कथा पर। दोस्तों, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई से कई कथाएं जुड़ी हैं। एक कथा के अनुसार मीनाक्षी 3 साल की लड़की के रूप में एक यज्ञ यानी कि पवित्र अग्नि से निकली। इस यज्ञ को मलय ध्वज पांड्या नामक एक राजा अपनी पत्नी कंचन मलाई के साथ कर रहा था। चूंकि शाही दंपति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा ने भगवान शिव से प्रार्थना की, उनसे उन्हें पुत्र प्रदान करने का अनुरोध किया, लेकिन उनके गड़बड़ के कारण एक 3 स्तन वाली लड़की उस पवित्र आग से उभरी। जब मलय ध्वज और उनकी पत्नी ने लड़की की असामान्य स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की, तो एक दिव्य आवाज ने उन्हें लड़की की शारीरिक स्थिति पर ध्यान न देने का आदेश दिया। उन्हें ये भी बताया गया कि लड़की का 3रा स्तन उसके भावी पति से मिलते ही गायब हो जाएगा। राहत की सांस लेकर राजा ने उसका नाम मीनाक्षी रखा और कुछ ही समय में उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मीनाक्षी ने प्राचीन शहर मदुरई पर शासन किया और पड़ोसी राज्यों पर भी कब्जा कर लिया। दंत कथा है कि उसने इंद्रलोक पर भी कब्जा कर लिया था, जो भगवान इंद्र का निवास था, और अब वो भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर भी कब्जा करने के लिए निकली थी। जब शिव उसके सामने आए, तो मीनाक्षी का 3रा स्तन गायब हो गया और वो जान गई कि उसे उसका पति मिल चुका है। शिवा और मीनाक्षी मदुरई लौट आए, जहां उनकी शादी हुई। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शादी में सभी देवी देवताओं ने भाग लिया था, क्योंकि पार्वती ने स्वयं मीनाक्षी का रूप धारण किया था, इसलिए भगवान विष्णु,
पार्वती के भाई ने भगवान शिव को मीनाक्षी का कन्यादान किया। आज भी इस शादी समारोह को हर साल चिथिराई के रूप में मनाया जाता है, जिसे तिरु कल्याणम यानी कि भव्य शादी के रूप में भी जाना जाता है। ये त्योहार मदुरई में हर साल अप्रैल के महीने में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। दोस्तों, कथा के अनुसार भगवान इंद्र, जिन्हें देवताओं का राजा माना जाता है और स्वर्ग में रहते हैं, उन्होंने कदम वन में पवित्र स्वयं मुलिंग की खोज की थी। भगवान शिव के लिंग को खोजने के बाद उन्होंने इसे मदुरई में रखा था, जहां मंदिर खड़ा है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मंदिर के प्लान के बारे में। दोस्तों, मदुरई में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था, लेकिन आज हम जिस मंदिर परिसर का अनुभव करते हैं वो मुख्यतः 16वीं और 17वीं शताब्दी में नायक वंश का काम है। उन्होंने परिसर को बड़ा किया और वास्तुशास्त्र की पवित्र परंपरा के अनुसार आसपास की सड़कों को फिर से डिजाइन किया। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई द्रविड़ वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। भारत के दक्षिणी राज्यों में आम हिंदू वास्तुकला की एक शैली। द्रविड़ वास्तुकला की विशेषताओं में अक्सर मंदिरों पर ढके हुए पोर्च, दो या दो से अधिक स्थानों पर लंबे प्रवेश द्वार वाले टावर, कई स्तंभ वाले हॉल और अनुष्ठान स्नान के लिए एक पानी की टंकी या जलाशय शामिल है। दोस्तों, दो प्रमुख गर्भगृह मंदिर परिसर के केंद्र में है। एक मीनाक्षी, जिसे देवी पार्वती की अभिव्यक्ति माना जाता है, उसको समर्पित है, और दूसरा सुंदरेश्वर या सुंदर भगवान को समर्पित है। प्रत्येक गर्भगृह के ऊपर स्वर्ण कलश है, जो केवल एक उच्च सहूलियत पॉइंट से दिखाई देता है। कॉम्प्लेक्स के उत्तर पूर्व कोने पर 1000 पिलर हॉल एक विशाल अलंकृत मंडप है। हालांकि वास्तव में यहाँ पर केवल 885 स्तंभ है, लेकिन इसका इफेक्ट प्रभावशाली है, जिसमें अधिकांश पत्थर के खंबे देवताओं, राक्षसों और दिव्य जानवरों को दर्शाते हुए ऊपर या नीचे खुदे हुए हैं। मूल रूप से इस स्थान का उपयोग धार्मिक नृत्य और संगीत प्रदर्शन के साथ साथ राजा के दर्शन करने के लिए किया जाता था। आज 1000 पिलर हॉल मुख्य रूप से एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, जिसमें कांस्य की मूर्तियों, चित्रों और मंदिर के इतिहास की वस्तुओं की प्रदर्शनी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं मीनाक्षी मंदिर मदुरई की संरचना के बारे में। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई मदुरई शहर के बीच में स्थित है, जो 17 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता है। इसके चारों ओर पूरे शहर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में 5 प्रवेश द्वार है, जो 874 फीट लंबा और 792 फीट चौड़ा है, जो उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है उसको कवर करते हैं। मंदिर विशाल दीवारों से सुसज्जित है, जो आक्रमणों से बचाने के लिए बनाए गए थे। पूरी संरचना जब ऊपर से देखी जाती है, एक मंडला का प्रतिनिधित्व करती है। मंडला एक संरचना है, जिसे समरूपता और लोके के नियमों के अनुसार बनाया गया है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में एक पवित्र तालाब भी है, जिसका नाम पथमारई कुलम है। पथमारई कुलम शब्द का शाब्दिक अनुवाद सुनहरे कमल वाला तालाब है। इस तालाब के केंद्र में एक स्वर्ण कमल की संरचना रखी गई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस तालाब को आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि कोई भी समुद्री जीवन इसमें नहीं बढ़ेगा। गोपुरम। दोस्तों, अब हम परिसर के सबसे अधिक ध्यान देने योग्य विशेषता पर लौटते हैं। बड़े पैमाने पर टावर्स या गोपुर, जो वास्तव में प्रवेश द्वार है, जो कि काले आयतों के रूप में ऊपर के प्लान में चिन्हित है। यहाँ लगभग 14 गोपुर है, जो मोटे तौर पर प्रधान दिशा में उन्मुख है और मीनाक्षी या सुंदरेश्वर के मंदिर या पूरे परिसर को आक्रमण से रक्षा करते हैं। आमतौर पर बाहर की दीवारों की ऊंचाई बढ़ती जाती है, क्योंकि बाहरी भागों को लगातार शासकों के उत्तराधिकार द्वारा जोड़ा गया था, जिन्होंने अपनी शक्ति और भक्ति के संकेत के रूप में विशाल टावरों को बनाया। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि इस मंदिर तक यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। यद्यपि मंदिर में दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए दिव्य यात्रा करना हमेशा ही आदर्श समय होता है, लेकिन उत्सव के दौरान एक अलग समृद्ध अनुभव होता है। मीनाक्षी मंदिर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से खुला रहता है, सिवाय इसके कि जब ये दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे के बीच बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव का निवास दोपहर में खुला नहीं रहना चाहिए। सुबह में एक बार और शाम को एक बार मंदिर जाना सबसे अच्छा है। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है और गैर हिंदू वहां से प्रवेश कर सकते हैं। रूढ़िवादी पोशाक, जो पैरों या कंधों को प्रकट नहीं करता है, एक जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं पूजा का समय क्या क्या है। थिरुवंडाल पूजा 5 बजे से 6 बजे तक, बीजा पूजा 6:30 से पूर्वाह 12:15 बजे तक, कला संधि पूजा 6:30 पूर्वाह से 7:15 बजे तक, त्रिकाल संधि पूजा 10:30 से पूर्वाह 11:15 बजे तक, उच्चिक कला पूजा 10:30 पूर्वाह से 11:15 बजे तक,
मलाई पूजा 4:30 पूर्वाह से 5:15 पूर्वाह तक, अर्धजामा पूजा जो कि रात्रि पूजा है जो 7:30 बजे से 8:15 बजे तक होती है, पल्ली राय पूजा 9:30 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया मीनाक्षी अम्मन मंदिर के बारे में जो कि मदुरई में स्थित है। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और आग की तरह अपने चाहने और दोस्तों के बीच फैला दें। हमसे बने रहने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहिए ट्रैवल एनएफएक्स। हम जल्दी मिलेंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक घूमते रहे, फिरते रहे, ख्याल रखें। नमस्कार।